भटिंडे? आगा भाई और भटिंडे दोनों को डिलीट कर। ए बी अभिषेक बाटली वाला, भटिंडे बोला तो संडे को भी काम करवाऊंगा। संडे को? हम हफ्ता भर काम नहीं करते तो संडे को काय को करेंगे, छुट्टी रहता है ना। मैं यहाँ पर एक गेम खेलूंगा, जिस किसी को भी लगता है कि मैं बिंदा का बेटा हूँ अपने हाथ उठाए। और जो हाथ नहीं उठाएंगे उनको मैं उनके हाथ पर ऐसा वार करूंगा कि वो इतवार को भी काम पर आएंगे। टीचर टीचर खेल रहा है कि हाथ पे वार करेगा, ये अफगानी माल मार के आया लगता है ना। हाँ तो ब्लैंक हो गया उकोंडा। लगता है लावणी नाचेगा। बॉयज मेरा हाथ भारी है, बेल्ट निकाल दो ना। झूम बराबर झूम शराबी, क्या कर रहा है? लगता है पूरा कपड़ा निकालेगा। बेल्ट ना है ना, लगता है तेरी बात से उसको मिर्ची लग गई है। लग गई? हाँ। मामा मामा मैं भी हाथ साफ कर लूँ क्या? मेरे हाथ में खुजली हो रही है। मेरे हाथ में खुजला हो रहा है। तेरी छोड़ो, एक्शन सीन देख। अरे वो मगरमच्छ के चमड़े का पट्टा है, तेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने तेरे को मैनेजर बनाया फिर भी तू मेरे को मार रहा है। पहले कोंडा को मैंने पूछा था कि किसको मारूं, इसने मुझसे कहा कि है ना लंबाई में मुझसे बहुत बड़ा है, उसे मार। नाना डर लागे छे? डर भयंकर। सुसु भी आ रही है कसम से। तू मुझसे झूठ बोल रहा है, तेरे चेहरे की झुर्रियां साफ बता रही है कि तू खुशी से उछल रहा है। ए ना ना ना, ए देखो मैं ना सुबह सुबह योगा क्लासेस में जाता हूँ ना, उधर योगा गुरु हमको बताता है कि डरना है तो डरो लेकिन चेहरे पे मत दिखाओ। योगा गुरु तेरे को पूड़ी में बांध कर चूरन दे रहा है। मैं ऐसा आसन सिखाऊंगा कि डर तेरे बैठने वाले आसन से पुधक कर बाहर आएगा। वो कैसे? ऐसे गांडो थी क्यों लगे छे? इसको कुछ हो गया लगता है, भूत प्रेत घुस गया। भागो भूत आया। मेरे साइकिल में डिस्क ब्रेक है और मेरा दिमाग थोड़ा सा क्रैक है। ओह ना, कोई अच्छा सा शमशान ढूंढ ले। ए कोंडा स्पीड ब्रेकर बन जा। ए तू रेड सिग्नल बन जा जल्दी। नो एंट्री। नाइको बॉडी नाइको भांगी ना भूपा करी नाइको। आज मौत का टेस्ट चाखियो। अरे ये रोड पे तो कोई ठाडा कपड़ा भी नहीं है, इसकी साइकिल के चक्के पे ढला डाला। तांत्रिकों का गॉड फादर हूँ। फेफड़े में हवा भर गई है, हवा कहाँ से निकालू? मेरे बॉडी में से हर जगह से हवा मैं निकालूंगा। लगता है यमराज को मेरे नाम की हिंदी आ रही है। पछाड़ थोड़ा घूम आसन। हे ना, तू आस पास ही है ना? जो भी आना को ढूंढ के लाएगा उसे एक पैकेज मिलेगा। ये ना से तेरे को क्या है लेना? मैं ढूंढ के लाऊंगी ना। अगर नहीं ढूंढ पाई तो आपका केबिन कहाँ दूर है? मैं आ जाऊंगी ना रेजिग्नेशन देने। मुझे दोगी? मार्केट में आप जैसा कटीला गबरू जवान है ही नहीं तो किसे दूं? अगर नहीं ढूंढ कर लाई तो तुम्हें पता है ना कि मुझे पट्टे से मारना कितना अच्छा लगता है। चमड़े का पट्टा जब चमड़ी पर लगता होगा तो बहुत दर्द होता होगा ना? दर्द होगा तो मसाज दे दूंगा, चंपी के नाम पे उसके बालू खाड़ूंगा, उसकी टांग पकड़ूंगा और उसमें मुंडी फंसा के गांठ बांध दूंगा। शिल्पा तुमने आज मेरे बन चक्षुओं को एंकर डाल के खोल दिया है। हाथ से बेल्ट को तलाक। तो शिल्पू मैं निकला। बाय बाय। भागी क्यों भूल? डर से फुस हो गया ना? बोला था ना मैं तांत्रिकों का गॉडफादर हूँ। मुझे भी तंत्र विद्या सिखानी है ना। आई यश बाबा आ गए। ना तुम्हारे कलेजे में बुखार आ गया क्या? अला कभी चींटी को भी चाटा नहीं मारा है। मच्छर पैर में काटता हो तो उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। और उसने मेरी बेल्ट से धुलाई की, सोच के ही मेरी अंतड़ियां कांप रही है। इसलिए बड़े बूढ़े बोलते हैं कि जिगर नहीं पेट बड़ा होना चाहिए, डर को आंतड़ियों तक जाना ही नहीं चाहिए, बीच रास्ते में ही कहीं। तूने लखनऊ का टुंडा कबाब खाया? ये देखो ये अटक गया इसका सुर। डोंट कॉल हर डॉक्टर, बुलाओ जल्दी। कमाल है। इस बीमारी को क्या नाम दूं, पैसे कैसे अंदर करूं? आपने सही वक्त पे बुला लिया। डॉक्टर हैपनिंग व्हाट? हुआ यही है, हाथ मुड़ गया है, मुंह अकड़ गया और वो लंबा पड़ गया। क्या बोलते हैं इस बीमारी को? मैं बताऊं? पैरालिसिस। अरे वाह, केबीसी में क्यों नहीं जाती?
उनके दिल में डर ने घर बना लिया है। डर? और मेरे बाबा को? मेरे से ज्यादा तुम लोग नहीं जानते हो, अपने कोंडा की अगाड़ी शेर की है, बाकी पिछाड़ी बकरी की है। देखो कैसा डर के बिस्तर में घुस गया है। बाबा से मिल सकती हूँ डॉक्टर? वो चिड़िया घर के चिंपैंजी थोड़ी बन गए जो टिकट लगेगा। जाओ जाओ, पर छोड़ो डॉक्टर, निकाल अभी मेरी फीस। ये कोंडा, पहले से आराम है? आराम हराम हो गया है डॉक्टर, इंजेक्शन लगाने से पहले दवाई लगाते ना, ठंडी ठंडी, वैसा ठंडा पड़ गया है सब, पूरी जिंदगी स्लो मोशन हो गई है। ये टॉयलेट अचानक यहाँ से दूर कैसे हो गया है ना? एक काम करते कोंडा, इधर है ना, तेरे को नली लगा देते, फिर अखा दिन तू करते रहे जितना मर्जी। अरे नली में मजा नहीं रे, ये बिंदा के बेटे ने वाट लगा दिया मेरा। हाँ? ये क्या बाबा? अरे वो दिव्य से शादी करना चाहता है। मतलब मेरी बेटी क्वीन बन के राज करेगी? इसके दोनों हाथ चीज और बटर में और सर पेस्ट्री में। एजी मना मत करना, अगर बाबा ने मना किया तो मैं भाग के शादी कर लूंगी। अरे भाग के करेगी तो भी चलेगा, लेकिन खर्चा ज्यादा मत करना। उस जैसा लड़का मुझे इस पूरे शहर में नहीं मिलेगा। हाँ बराबर, जो औरतों के हक के लिए लड़े वो बाहुबली, जो मेरी ना सुने वो खाली वाली। तू भी सही बोलता है, तू थर्ड अंपायर मत बन रहे। देख तू अपने प्यार का चिराग बुझा, नहीं तो मैं उसमें फूंक मार दूंगा। गुब्बारे से हवा निकलने के बाद जो हालत उसकी होती है ना, उसके बिना मेरी हालत ठीक वैसी हो रही है। इसी को तो अंगारू प्यार बोलते हैं। ये मेरी बाई को और मुलगी हाथ सेकने के लिए खुद का घर भी जला डालेगी। तेरा बेटा होता ना तो इसके हाथ पीले कर डालता भी। जब मेरी तेरे पापा के साथ शादी हुई थी ना, तब ये टिकट ब्लैकर थे। इनके अच्छे दिन लाने के लिए ना, मैं हर सोमवार को काले कुत्ते को काला गुड़ खिलाती थी, समझे? तब से कुत्तों ने गुड़ खाना बंद कर दिया। हाँ, चलने दे, चलने दे। रुके, बादाम का तेल लेके आ। फिर अटक गया बाबा, पट्टा लेके जाओ ना, किधर भी ये शेर बकरी बन जाता है। लगता है इन्हें बेल्ट फोबिया हो गया है। थैंक यू एना। वेलकम कोंडा। सर दुट्ठो कटिंग। अरबपति होते हुए भी तुम में जरा भी घमंड नहीं। मैं ऐसा ही एक पार्टनर चाहती थी। ऑफिस में एक से बढ़कर एक लड़कियां होने के बावजूद भी तुमने उन्हें कभी दाना नहीं डाला। तुम्हारी इसी अदा पर मैं बिक गई। बचपन से गॉड से मैं एक विश मांगती थी कि मेरे होने वाले पति की 1.5 इंच चौड़ी मूछें हो, और तुमने वो ख्वाहिश पूरी कर दी। अभी आई लव यू। चाटे तो मैं सिर्फ नाम का हूँ, असली मलाई तो ये दोनों चाट रहे हैं। दलत है। हाँ, ऊपर से दूध भी नहीं पीने दिया। एक काम कर, ये रख और उसका दूध फाड़ के आ जा। ब्रेकअप हो गया क्या सर? वो पैचअप का सामान लाने गई है, वो भी भागकर केमिस्ट शॉप से। मैं कुछ भूल गया हूँ, मुझे जाने में शर्म आती है। चल काला खट्टा। एक बात पहले बता दूँ, काम नहीं हुआ ना तो पैसे वापस ले लूंगा। हाँ तल दिला, थूते ताटने वाली बात। ए, सब लोग चाटते। ए, तल। हाँ जाओ। ए, चल। ए, चला जगह खाली करा। तल चला, हटा यहाँ से, हटा। ए बैठ। ए बिल देके जाना बे। निरहुआ सटल रहा है। चाय भरी मांग फुई। चाय में मक्खी थी। तुला मायती नहीं का? चाय मैंने मक्खी के लिए मंगाई थी, वो मक्खी मेरी पालतू है। काहे को इस फालतू में उड़ाया? ए, काहे गोल गोल घुमा रहा बे, देख मांगे। टकलू भड़का। मैं थोपली तोल के खून पी जाऊंगा। अरे बाबले, सुनाए के मेरे तट पर जाओ ना। अबे गंगेश्वर, आधार नॉन आधार मिलाकर देश की आबादी 2 करोड़ थई गई छे। न्यूज बकतोस ना रे, तो हमका ई बता, देश के लिए एठू कुर्बानी भी दी है? नो की बात। अभी किसी मारने वाले को थारे ने खून दिया नहीं ना? ए बोल ले।
तो अब दे। गुड़ की डली कितना उछाल दिया। मम्मी चटनी बची क्यों? ये क्या देख लिया मैंने? अबे टकले पे लगी हुई लकड़े की दीमक, बता किसका है तू चुंबक? का है परेशान कर, छोड़ो ना भाई। अबे ग्रीस में तले हुए भजिए चाटे ने भेजा तेरे को? धंधा में नाम बताना मना है। बच्चन साहब की तरह चार ऑप्शंस देता हूँ। Your time starts now. ऑप्शन ए, पैसा देने वाला कन पट्टी पर दंडी टिका कर चश्मा पहनता है। ऑप्शन बी, क्या वो सर की जुए छुपाने के लिए टोपी पहनता है। लागत है ही दूध बादाम खाते हैं, दिमाग मिर्ची की तरह तेज बा। ऑप्शन सी, क्या वो काला गेंडा गेंडे की खाल का जैकेट पहनता है। ऑप्शन डी, क्या उस चूसे हुए आम और थूके हुए पान का नाम संकेश्वर चाटे है। ससुर आप पता लगा ले। भाई दोतित के गलाने तो हो क्या? वहाँ सीसा लगा है। ये पैसे मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए दिए थे, सूद तो तुमने लौटा दिया, नगद लगता है ये देगा। चाटे तुझे सूद तो मिल गया, अब तेरा भूत मैं उतारूंगा। गलती हो गई, मुझे घर जाने दो ना। घर जाके सू करेगा। इन पैसों से बीवी को मिठाई खिलाऊंगा। ऐना, ये बाटली वाले ने हमको कैसी सजा दी है? 50 माले चढ़ के आना मतलब मैं तो मर जाऊंगा। कौंडा, ऊपर चढ़ते चढ़ते कहीं ऊपर का टिकट नहीं कट जावे। हाँ? लगता है ये सीढ़ी जन्नत की सीढ़ी बन जाएगी। वहाँ मिलेगी ब्यूटी। अरे जन्नत की ब्यूटी को छोड़ कौंडा, चल ड्यूटी करते हैं। हलो हलो हलो, मालिश वाला कहाँ मिलेगा? घुड़सवारी करके आ रहे हो क्या? मुलाजिमों, लेट आने की वजह से तुम्हारी सैलरी काटूं? नहीं नहीं, मत काटो। जी करता है बिना पेंशन के तुम्हें रिटायरमेंट दे दूं और तुम्हारा पीएफ भी छीन लूं। देवा करे मेरी बेटी की शादी इससे कभी ना हो। मेरे जैसा सीधा इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सेफ है मेरे साथ। मेरे टांग की पेंट बजा दी इसने। ये लीजिए सर। प्यासा मैं हूँ और ये गांव में खैरात बांट रही है। एक बात समझ में आ गई, बगदे हमेशा अपने रंग में रहते हो और उस रंग में किसी को भंग नहीं डालने देते हो। एक बात बताऊं, तुमने जब से बेल्ट से धुलाई की है, मैंने पेंट के ऊपर बेल्ट पहनना ही छोड़ दिया, नाड़ी बांध लेता हूँ सिर्फ।